सो नेक्स्ट वी हैव द कंपेरिजन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विथ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो गोल हम फोकस करते हैं दोज आर और टेक्टिकल गोल्स जबकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उनके जो गोल्स होते हैं दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है उसमें जिन सेट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस किया जाता है उनमें

या जो बजट हमें एलोकेट किया गया है हम क्या उस बजट को ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं डू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स नो वर्ट दे शुड बी डूइंग क्या प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं सो दीज आर दो थिंग्स विच आर कंसर्न विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जिन सेट ऑफ क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाता है उनमें सबसे पहले आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स सो so, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उनका काम यह होता है कि वो हमें बताएं कि जी फ्यूचर में किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करना है जबकि मैनेजर मैनेजमेंट में हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये देख रहे होते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने मैनेज करना है क्या उनको ठीक तरीके से वो मैनेज कर पा रहे हैं स्कोप के हवाले से टाइम के हवाले से बजट के हवाले से यूजर एक्सपेक्टेशन के हवाले से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट manage, में हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर रहे होते हैं कि क्या किन ऐसे राइट प्रोजेक्ट्स पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फ्यूचर के अतबार से जो उनको फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करें जो उनको फ्यूचर में प्रॉफिट दें सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि किन प्रोजेक्ट्स पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग और किन प्रोजेक्ट्स पे उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सो आर वी इन्वेस्टिंग इन द राइट एरियाज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट right एरियाज पे इन्वेस्ट कर रही है उन एरियाज पे जिसमें वाकई ही हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है क्योंकि राइट इन्वेस्टमेंट से ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं सो डू वी हैव द राइट रिसोर्सेज टू बी कंपेटिटिव प्लस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ये भी देखा जाता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की नस्बत बेहतर बनाने के लिए क्या हमारे पास राइट right रिसोर्सेज या ठीक जराए मौजूद हैं या नहीं है सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट

दे शुड बी comfortable with द चेंज सबसे पहली चीज के प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर द टीम लीड्स वो हमारे टीम लीडर्स होते हैं लीडर्स वो होते हैं जिन्होंने टीम्स को राइट right डायरेक्शन में ना सिर्फ गाइड करना होता है बल्कि कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हमारे लिए डिफिकल्ट टू हैंडल होती है वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपना रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के चेंज को ईजिली मैनेज कर सकें ंडरस्टैंड द सोशल पोलिटिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क इन एंड विद सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए यह भी जरूरी है कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है जो उसकी पोलिटिकल इन्वायरमेंट है जिसका सोशल इन्वायरमेंट है जिसका फिजिकल इन्वायरमेंट है वो उसको अंडरस्टैंड करें ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से समझ सके और उसमें ठीक तरह से काम कर सके बी एबल टू लीड टीम्स टू accomplish प्रोजेक्ट गोल्स एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक अच्छा टीम लीडर होना उसका बहुत जरूरी है कि क्योंकि प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा टीम लीडर हमारी टीम को गाइड करता है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि उन्होंने किस तरह से काम करना है सो so, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो एक अच्छा टीम लीडर होता है और एक अच्छा टीम लीडर वो होता है जिसको पता होता है कि उसने किस तरह से प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करना है द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज में जितने भी पर्टिकुलर नॉलेज एरियाज हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जिनका जानना हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जरूरी है उन सबकी इंफॉर्मेशन उन सबका नॉलेज उन सब टेक्निक्स का हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को डिटेल में नॉलेज होना चाहिए सो बेसिकली ये वो तमाम नॉलेज है जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को किसी भी प्रोजेक्ट की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन एरिया नॉलेज स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया के लिए प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो उस एप्लीकेशन एरिया का नॉलेज रखे क्योंकि जब तक आपको उस एप्लीकेशन एरिया का नॉलेज नहीं है आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट पे ठीक तरह से काम नहीं कर सकते आपको एप्लीकेशन एरिया का नॉलेज होगा तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को ठीक तरीके से गाइड कर सकते हैं ठीक है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप उसको मैनेज कर सकते हैं आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट नॉलेज प्रोजेक्ट जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बिल्ड किया जा रहा है उस पर्टिकुलर पर्पज का पता होना चाहिए प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए जर्नल मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर के पास हमारी जो ना सिर्फ उसको जर्नल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए बल्कि उसको डिटेल लेवल पे इफेक्टिव टेक्निक्स का और टूल्स के यूज का भी पता होना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स ऑफ कोर्स। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो जिसको पता हो कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल विद देयर टीम क्योंकि एक अच्छा मैनेजर वो है जो लोगों से अपनी टीम मेंबर्स से ना सिर्फ काम निकलवाना जानता हो बल्कि उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे और ठीक तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की एबिलिटी रखता हो ठीक है जी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है कहीं पे किसी तरह का कोई इशू आ जाता है ठीक है तो वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाए उसका रिलेशनशिप अपनी टीम मेंबर्स के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो किसी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करें दोनों एक दूसरे की बात अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें सो so, so किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सॉफ्ट स्किल्स का होना ह्यूमन रिलेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है सो so, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल को सो so, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल को जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी बट मोस्ट इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक प्लानिंग स्केजूलिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड वर्किंग विथ पीपल टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो जॉब है वो वेरी करती है बट हर प्रोजेक्ट मैनेजर की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो तकरीबन सिमिलर होती हैं जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसने किस तरह से प्रोजेक्ट को प्लान करना है उसने स्केजूल को किस तरह से बनाना है उसने कोऑर्डिनेशन कैसे होने चाहिए कोऑर्डिनेट करना कैसे और वो किस तरह से लोगों के साथ काम करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल्स सो जो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो बेसिक रोल होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का उसको पता होना चाहिए कि किसी तर, किस तरह से एक इफेक्टिव प्लान को बनाया जा सकता है किस तरह से हम अपने स्केड्यूल को तैयार कर सकते हैं हमने किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है हमने लोगों के साथ किस तरीके से काम करना है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें Remember that 97% of successful projects were led by experienced project managers who can often help influence success factors. हमें ये याद रखना चाहिए कि 97% जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर उनका सर्वे किया जाए अगर रिसर्च किया जाए तो हमारे पास उनकी सक्सेस के पीछे हमारे पास एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स का हाथ होता है ठीक है जी हु कैन ऑफन हेल्प इन्फ्लुंस द सक्सेस फैक्टर्स बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी मदद करते हैं सो so, बेसिकली ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए अपनी राइट right स्किल्स को यूज करते हुए अपने टेक्निक्स को यूज करते हुए सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट करने की एबिलिटी रखते हैं